हाय क्लास 12th के डियर स्टूडेंट्स, आज आपके वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोग हायरोल्केन्स क्या होते हैं पढ़ लिया था, उनका टाइप या क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आईपीएससी नेमिंग पढ़ लिया था, फिर उनको बनाने की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लोगों ने पढ़ लिया था, फिर हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी और पी हम लोग पढ़ चुके थे। फिजिकल प्रॉपर्टी दो लेक्चर में पूरा हो गया था। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है, वो है हैलोएल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी, यानी हैलोएल्केन और हैलोएरिन के रासायनिक गुण, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है, मैं लिख दूं क्लास आपका अपना कौन सा है, तो हम लोग का क्लास हो गया 12, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, हम लोग जानते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया अपना केमिस्ट्री और टीचर को आप लोग जानते हैं। टॉपिक हम लोग का जो है वो आज का है, जो हम लोग आज डील करेंगे पढ़ेंगे वो क्या है, हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। हैलोएल्केन के रासायनिक गुण, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले तो एक बात समझना है कि हैलोएल्केन का रिएक्टिविटी का कंडीशन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास जो एल्केन है ये CH3CH3, तो आप देख रहे हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पे जो एटम आपस में जुड़े हैं उनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है वहां के जो एटम्स होते हैं उनके कोई चार्ज नहीं आते, यानी कि चूंकि दोनों कार्बन सेम ही है और सी और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत बड़ा अंतर होता नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये जो होता है यहाँ पर कोई पोलरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, आप जानते हैं यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जब नॉन पोलर है तो ना तो कहीं पर कोई प्लस चार्ज आएगा ना कोई माइनस चार्ज आएगा, तो इस तरह से नॉन पोलर है। और आप जानते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हम लोग सब बहुत पढ़े आगे चल करके, यानी हम क्या होते हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ये सारी बात हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ था। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इसी के बच्चे को पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया था इसी में से एक कैच हटा को हमने हैलोजन लिख दिया था, यानी हम इस समय हैलोएल्केन पढ़ रहे हैं। हैलोकेन मिलता कैसे है, तो इसी एल्केन केच को रिप्लेस कर देंगे से हैलोजन से, तो मिल जाएगा हैलोएल्केन, यानी आज हम बात इसकी कर रहे हैं। देखिए जानते हैं मैं आज इसकी बात आपसे कर रहा हूँ, जो 11th में था बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लेकिन आज मैं इसके ऑफस्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, इसके बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इससे जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये हैलोजन, मान लो मैं CL लिख दे रहा हूँ, मैं इसकी बात आज करने वाला हूँ। तो इस तरह से इसमें अंतर क्या है कि यहाँ के सारे आइटम सिमिलर है लगभग, और यहाँ पर सारे आइटम सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो इस हैलोजन है, चलो इसको मैं X से लिखता हूँ हैलोजन, हैलोजन कैसा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन पुल करने की कैपेसिटी अधिक होती है, किसे कंपेरिजन कार्बन कंपेरिजन में, तो कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ और एक्स आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो क्या रिजल्ट क्या होगा कि अब इस बॉन्ड के जो CX बॉन्ड का जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अब बीच में नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा एक्स की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। याद करिए इसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे ना, यही आपका इंडक्टिव है, प्रेरक प्रभाव यही है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा हम लोग जानते हैं कि एक्स पे आएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और सी पे आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आपका हैलोएल्केन है, ये ऊपर एल्केन था, ये वाला जो प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं हमारा हैलोएल्केन है, और इस हैलोएल्केन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि CX बॉन्ड क्या होता है हाईली पोलर होता है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अधिक होती है कंपेयर टू कार्बन, इसीलिए इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा शिफ्ट कर जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं किधर, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन की तरह, इसलिए हैलोजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, और आप जानते हैं जिस मॉलिक्यूल के एटम पर प्लस और माइनस चार्जेज आते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर कहते हैं। तो हैलोएल्केन कैसा हुआ, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल, याद रखे हैं ये है हाईली बहुत अधिक पोलर, बहुत अधिक ध्रुवी, हिंदी में कहें ध्रुवी, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं,
और जो हाईली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं आप जानते हैं साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज भी है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि जैसे ही चार्ज आ जाता है तो आप जानते हैं कि चार्ज सेंटर पर रिएक्ट करने के लिए दो दो तरह के हमारे एजेंट आ जाते हैं, एक का नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक का नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है और इसीलिए हेलोकेन जो होते हैं काफी अधिक रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए कैसा हुआ आपका, ये हुआ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव। तो कोई पूछे कि हालांकि हेलोएल्केन एल्केन के ही डेरिवेटिव है लेकिन हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी काफी अधिक क्यों होती है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें दिखाएंगे कि कार्बन यहां पर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो आप जानते हैं शेयर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन पे आ जाएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सी पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी ये बॉन्ड हाईली पोलर हो गया, ध्रुवीय हो गया। आप जानते हैं कि जिस बॉन्ड से जुड़े एटम पे चार्जेज होते हैं, आवेश होते हैं, उन्हीं को हम ध्रुवीय कहते हैं। आपका हाईली ध्रुवीय हो गया, बहुत अधिक यहाँ पर पोलर हो गया, और जो ज्यादा पोलर होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप बताएंगे कि एल्केन जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं इसलिए कम रिएक्टिव हैं और हेलोएल्केन अधिक पोलर होने के नाते ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपके हेलोएल्केन शो करते हैं। अब देखिए इस जो रिएक्शंस हैं इनकी रिएक्शंस को मेनली हम लोग तीन टाइप में बांट सकते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं, वही आपका है भी, वही आपको पढ़ना भी है, तो हम इनके रिएक्शंस को थ्री टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनके रिएक्शन को तीन टाइप में डिवाइड कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि हेलोएल्केन द्वारा जो प्रदर्शित रिएक्शन है उनको हम तीन टाइप में बांट सकते हैं, यही बात आप लिख लीजिएगा। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शंस की जो कैटेगरी होगी, रिएक्शंस कैटेगरी, इन जो क्रिया की जो श्रेणियां होंगी वो तीन मिलेंगी। पहली क्या हो जाएंगी, पहली में रिएक्शन होंगी, इस मान लीजिए अगर मैं हेलोएल्केन को यहां पर लिखता हूं तो हेलोएल्केन में सपोज के लिए मैंने ऐसे लिखा CH3, जो मैंने पहले लिखा तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं CH2 और यहां पर हो गया हमारा X हो गया। तो पहली वो रिएक्शन होंगी जिनमें हम क्या करेंगे, इस X को, ध्यान दीजिए X को, अभी हम लोगों ने कहा था कि बांड का इलेक्ट्रॉन सिक्स बांड का इलेक्ट्रॉन X पुल कर लेगा, X पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उसी पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिए जब ये X निकलेगा तो X पांच के फॉर्म में निकलेगा और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी इस रिएक्शन में क्या होने वाला है कि इस रिएक्शन में याद रखिए आपका यहाँ पर X माइनस यानी X डेल्टा माइनस वाला निकलने वाला है, X माइनस के फॉर्म में यहाँ पर निकलेगा बल्कि डेल्टा टाइप पूरा कराया जाएगा, ये इस फॉर्म में निकलेगा। निकलेगा क्या, याद करिए कि हम X माइनस मतलब कि जिस पर माइनस चार्ज हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, हम जानते हैं कोई भी एटम मॉलिक्यूल आयन जिसके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकलेगा। अब देखिए जब ये निकलेगा तो फिर कार्बन की वैलेंस क्या हो जाएगी, डिससैटिस्फाई हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इसकी खालीपन को भरने के लिए दूसरा कोई यहां पर निगेटिवली चार्ज आएगा या दूसरा कोई यहां पर न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, यानी माइनस को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, आप जानते हैं। तो आप याद रखिए कि जैसा ग्रुप रिप्लेस होता है वैसा ही ग्रुप किसी जगह पे आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे X को हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है और आप जानते हैं कि जब कभी एक एटम या ग्रुप को हटा के दूसरा कोई एटम या ग्रुप आता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे हम कहते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या लिखना पड़ेगा, कौन रिप्लेस हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि X माइनस रिप्लेस हो रहा है, X मतलब हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पर X माइनस रिप्लेस हो रहा है मतलब एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है। तो जो रिप्लेस होगा उसी भी फैमिली का दूसरा जो उससे ज्यादा पावरफुल होगा वही वहां पर यहाँ पर आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, याद रखिएगा। और जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटता है रिप्लेस होता है इसको हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं, देखो छोड़ के जा रहा है ये लीविंग ग्रुप कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक लीविंग ग्रुप यहाँ से हटता है और एक एंटरिंग ग्रुप प्रवेश करने ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, याद रखिए इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, साफ साफ दिख रहा है कि X से हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिख देंगे, हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH3, ये हम लोग CH2 है ही है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ CH2
और यहाँ पर हमारा आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हेलोजन एटम्स को हैलाइड आयन के फॉर्म में एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है और इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, यह कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं। तो जो रिएक्शन हमने यहां पर लिखा है उसका टाइप क्या है, यह है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म हमने आपसे क्लास लेने पर डिस्कस किया भी था। तो ये अभिक्रिया हमारी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। इसको हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद करिए हम लोगों ने SN रिएक्शन पढ़ा था, SN1 पढ़ा था, SN2 पढ़ा था, वही SN रिएक्शन, यही है ध्यान देना, यही SN है। इसी को S को हम पहले लिख देंगे और इनको बाद में लिख देंगे, याद करिए आपको, अगर आपको याद आ रहा हो हमने इस तरह पढ़ा था, हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन पढ़ा था, हम लोगों ने SN2 रिएक्शन पढ़ा था, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और इन दोनों में से एक का बोर्ड में आना तय है, कन्फर्म है, SN1 या SN2 के रिएक्शन मैकेनिज्म में से एक का आना कन्फर्म है, ये आपको 2 या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर इन दोनों में, दोनों को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारे दोनों में से एक हमारा जरूर हमको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे। इस तरह से जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रिएक्शन प्रेजेंट टाइम में पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इसी को हम शॉर्ट में दो टाइप का हम बांटते हैं, पढ़ते हैं, एक को SN1 कहते हैं, एक SN2 कहते हैं। अच्छा अब एक बात करिए कि अब इसी हेलोजन के लग जाने के नाते आपका जो मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव हो गया, और जब ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा तब क्या करेंगे, इस एक्स को हम डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे। हमने कहा डिफरेंट टाइप का, जैसे एक बार कभी मान लो हमने यहां पर OH लिख दिया तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, एक बार NH2 लिख दिया तो कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर दूसरा मैंने कोई हेलोजन लिख दिया तो कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ सकते हैं और इसीलिए इससे हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस यहाँ क्या है कि इसके मदद से हम ढेर सारे कंपाउंड आगे हम सब पढ़ेंगे भी, हम इसकी मदद से एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एमाइन, एमाइड सब कुछ बना लेंगे। तो इस तरह से इस रिएक्शन से ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलते हैं और इसीलिए रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर ध्यान रखिएगा इसका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे इस यक्स को, इस हेलोजन को हम विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोफाइल से प्रतिस्थापित करके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और इस तरह से इस रिएक्शन में से हम ढेर सारे उत्पाद बना सकते हैं और यही इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस और इसकी ब्यूटी है। तो उसी को एक एक करके हम लोग पहले पढ़ने चल रहे हैं। तो पहले हम इस तरह के रिएक्शन आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद से अब इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर देखेंगे, SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो इस तरह से इसकी पहले रिएक्शन कौन सा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ले रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल मतलब हैलाइड आयन को दूसरा न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित करता है और इसी कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखा रहे हैं और उससे आपको साफ साफ दिखेगा किस रिएक्शन की मदद से हम कई प्रकार के उत्पाद बना पा रहे हैं। तो हम इस तरह की पहली अभिक्रिया लिखने चल रहे हैं, बस न्यूक्लियोफाइल आपको अलग अलग रख देना है। तो ये समझ, हमने आप एक रिएक्शन लिख दिया, ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारे पास है CH3 CH2 Cl और मान लीजिए Cl को मैं OH से रिप्लेस करना चाहता हूं OH से, तो बस थोड़ा सा आपको याद क्या करना पड़ेगा कि यहां पर आपको रिएजेंट याद करना पड़ेगा। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि अगर आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो OH है तो OH कौन देगा, ये बात आपको याद करना चाहिए। तो OH कौन देगा, ये देगा आपका, ध्यान दीजिए, एक्वस KOH या एक्वस NaOH ये रिएक्शन दे देगा। यहां तक कि अगर वाटर भी लिखा रहेगा तब भी आप यही मानिएगा। तो इस तरह से अगर किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं, एक्वस मतलब होता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या हो जाएगा, रखिए ये Cl यहां से हटेगा और ये लोग क्या देंगे, OH देंगे,
तो इनके द्वारा दिए गए OH को हम यहाँ पे एंटर कराएंगे और सीएल को यहाँ पर हटा देंगे, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखिए, तो बड़े आराम से आपको यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है CH3CH2 और OH। देख रहे हैं क्या मिल गया, ये हमको एल्कोहल मिल गया, ये एल्कोहल हम प्राप्त कर लिए। कोई पूछे कि हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाने की रिएक्शन लिखिए, तो आप यही रिएक्शन लिख दीजिएगा। इस तरह से हमने हेलो एल्केन से यहाँ पे एल्कोहल बना लिया। अच्छा एक बात और कि मान लो आपसे कोई कहते हैं कि एल्केन से एल्कोहल बनाई तब क्या करेंगे, तो याद रखिए अगर मैं एल्केन लिखता हूं, सपोज करिए हमसे कोई पूछे कि इथेन से इथाइल एल्कोहल बनाने वाली रिएक्शन लिखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पर हम इथेन लिख देंगे CH3CH3, चलो इथेन तो हो गया भाई, आप देख रहे हैं एल्केन है, एल्केन जो होते कम क्रियाशील होते हैं, तो इस पर कोई रिएक्शन डायरेक्ट हो नहीं पाएगी। लेकिन अगर मैं किसी तरह से इसको अगर इसमें अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो हमको इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। तो पहला काम क्या करिए, अगर आपको एल्केन से कोई शुरू करने के लिए कहा जा रहा है तो उस एल्केन का करा दीजिए क्लोरीन से रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में, तो बस सिंपली यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसका करा दीजिए क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऐसे एच न्यू चाहे लाइट लिख सकते हैं, और नहीं तो हीट, ऐसे ट्रायंगल में तो हीट होता है, ऐसे हीट करेंगे तब ये रिएक्शन हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा इसमें से एक एच को रिप्लेस कर दिया जाएगा सीएल के द्वारा, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर CH3 और CH2Cl, ये मिल जाएगा। और जब हम ये पा गए तब एल्कोहल बनाना हमारे लिए आसान है, यानी अगर एक बार आपको एल्किल लाइट मिल गया तो उससे डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सीएल को आप रिप्लेस कर दीजिए OH से, क्या करना पड़ेगा, यही वाली रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो बस सिंपली क्या करिए, आपको यहाँ पर फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, आप अपना यहाँ पे CH3CH2 और CL लिख लीजिए, और इस पर सिंपली इनमें से कोई भी रिएजेंट आप यहाँ ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हम सब लोग जानते हैं कि जो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको OH देता है, तो इस CL को हम हटा के यहाँ पर OH लगा देंगे, तो इस तरह से हमको हमारा जो प्रोडक्ट था यानी इथाइल एल्कोहल वो आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से एल्केन को याद रखिए, हमने एल्केन किसे बदल दिया, हमने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, इस एल्केन को देखिए हमने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो एल्केन को हम डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एल्केन का हाइड्रोजनेशन करा के एल्किलाइड बनाना पड़ेगा, और जब एल्किलाइड बन जाएगा तब उसका ये जो रिएक्शन आपने ऊपर पढ़ा है इसमें से इसका यूज कर देंगे, इस रिएजेंट का हमें एल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से हमको बोर्ड में इंटर कन्वर्जन पे 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, और एक वहां का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन हम लोग जो पढ़ रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे याद रखिए उन आगे के सारे टॉपिक्स को कवर करने में इसका बहुत ज्यादा रोल होगा, इसलिए रिएक्शन को जरा ढंग से पढ़िए। और न्यूक्लियोफाइल के लिए जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं रिएजेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो आप इसको जरूर याद करिए, तो हमने एक रिएक्शन आपको बता दिया। अब इसी में से हमने क्या किया है, हमने X को किससे रिप्लेस किया है, OH से, हमको एल्कोहल मिल गया, यानी अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल OH रहेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल OH कौन देगा, तो आप बताएंगे एक्वस KOH या एक्वस NaOH देते हैं। अब मान लीजिए मुझे, मैं चाहता हूं कि हमारा जो इथाइल क्लोराइड है वो इथाइल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाए, तो इसी तरह की हम दूसरी रिएक्शन यहां पर ले रहे हैं, याद रखिए ये सेकंड रिएक्शन हो गई हमारी, या इसको मैं बी लिख दे रहा हूं, पहले वाले को ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए। मान लीजिए कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है CH3CH2 और CL हमारे पास है, और हम इथाइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, तो आपका इस बार न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका ये आयोडाइड आयन होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा आयोडाइड आयन। तब ये आयोडाइड आयन कौन देगा, याद रखिए हमको बस कोई न्यूक्लियोफाइल बताए कि आप ये न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करिए, तो बस न्यूक्लियोफाइल कौन देगा वो हमको याद रखना पड़ेगा, तो आपका होता है पोटेशियम आयोडाइड, तो बस यहाँ पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दीजिए, यही पोटेशियम आयोडाइड आपको आयोडाइड आयन देगा। होगा क्या कि यहाँ पर सीएल आपका हटेगा, कौन हटाएगा, यही आई हटाएगा, यही आयोडाइड यहाँ पर हटाएगा, हम सीएल को हटा करके यहाँ पर हम आई लिख देंगे और हमारी रिएक्शन पूरी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर CH3CH2I मतलब इथाइल आयोडाइड हमको मिल गया, इथाइल आयोडाइड हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से आयोडाइड आयन जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसे कौन देता है, तो पोटेशियम आयोडाइड का, हमको याद रहेगा, हम रिएक्शन को कंप्लीट यहां पर कर लेंगे। अगली बार अगली दिन देखिएगा, अगली रिएक्शन में हमको क्या करना है, हमको इस हैलोजन को रिप्लेस करना है। मान लीजिए इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, इसे हम NH2 से MIN हमको बनाने का मन किया, हम क्या करेंगे इसको NH2 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CH3
CH2Cl है, इथाइल हैलाइड हमारे पास है, और हम चाह रहे हैं कि जहां पे Cl लिखा है वहां पे NH2 आ जाए, मतलब मुझे एमाइन बनाना है, 1 डिग्री का एमाइन बनाना है, तो जहां Cl है वहां पर मुझे क्या लिखना है, हमें वहां पर एमाइन बनाना है, NH2 लिखना है। तो प्रोडक्ट अगर हमको दिया गया है, मान लीजिए ये है CH3 CH2 NH2, तो आप देख रहे हैं बहुत आसान दिखाई पड़ रहा है कि एल्किल हैलाइड से हम एमाइन भी बना सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, इसी Cl को NH2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो हमारा NH2 हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल NH2 है ये, तो NH2 देगा कौन, यहाँ पर NH2 आपको अमोनिया से मिल जाएगा, तो आप सिंपली यहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, NH3 से रिएक्शन करा दीजिए, तो NH3 जो है वही आपको NH2 देगी, तो इस NH3 से प्राप्त जो NH2 है यही NH2 इस Cl को रिप्लेस कर देगा, Cl यहाँ पर हटेगी और NH2 यहाँ पर प्रवेश करेगा, हमको यहाँ पर ये 1 डिग्री का एमाइन यहाँ पर मिल जाएगा, ये 1 डिग्री का यानी कि प्राथमिक एमाइन है ये, आप इसको 1 डिग्री एमाइन या आप कह सकते हैं प्राथमिक एमीन, हिंदी में कहें अगर हम तो ये हमारा प्राथमिक एमीन हुआ इस तरह से। और इतना ही नहीं, हम इससे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं कि एमाइन क्या होता है, इसके हमें बार बार पढ़ने वाले, हालांकि ये कोर्स ए या कंपाउंड अपने कोर्स में है लेकिन काफी आगे चल करके है आपका, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आएंगे, मतलब समझ लीजिए कि पहला चैप्टर हम लोग का हैलोजन हैलोजन हो गया, दूसरा चैप्टर हम लोग का एल्कोहल फिनाइल ईथर हो जाएगा, तीसरा हम लोग का हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड वाला, और चौथा चैप्टर जो होगा वहां पर आपको एमाइन मिलेंगे। तो इस तरह से इनका डिटेल हमको पढ़ना है लेकिन काफी बाद में आएगा, तब तक हो सकता है कि क्लास चलने लगे अपने स्कूल में ही, लेकिन अभी तक प्रेजेंट टाइम में हमें इसकी बार बार जरूरत हमको मिलने वाली है, इसलिए एमाइन को मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। तो आप यहाँ पे एमाइन देख लीजिए, एमाइन होते क्या है और वो डिफरेंट टाइप के यानी डिग्री क्या होती है, एमाइन क्या होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है, मैं थोड़ा आपको बता दूं, आप इसको देख लीजिए तो हम आगे चल करके रिएक्शन और भी आसानी से लिख पाएंगे समझ के। तो याद रखिए ये हमारे पास एल्केन है, जान लीजिए ये हमारे पास हुआ एल्केन, इथेन है सॉरी मिथेन है। करना क्या है आपको, इसी मिथेन के, चलो इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं और मैं बल्कि इथेन ले ले रहा हूं, मैंने यहां ले लिया CH3 और यहां पर ले लिया हमने CH3, ये हमारा हो गया इथेन, यानी ये एल्केन है, आप जानते हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए बस करना क्या है, इसी में से एल्केन में से एक H यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, किससे, NH2 ग्रुप से रिप्लेस करना है, NH2 इस H को रिप्लेस कर दीजिए किससे, एमिनो ग्रुप से, एमिनो ग्रुप कहलाता है ना, तो इस तरह से आपको जो कंपाउंड यहां पर मिलने वाला है यहां पर H की जगह पे NH2 आ जाएगा और ये हम लोग का प्रोडक्ट जो बनेगा यही प्रोडक्ट हमारा एमाइन कहलाएगा, यही प्रोडक्ट हमारा हो गया एमाइन। एमाइन क्या होते हैं आप कह सकते हैं, ये एल्केन हमारा है ना, तो एल्केनों के एमिनो डेरिवेटिव या व्युत्पन्न कर, ध्यान दो जो हमने पैरेंट कंपाउंड लिया एल्केन, इसी के एच को हटा के हम NH2 ले आएंगे, तो जो ग्रुप हम ले आते हैं उसी का डेरिवेटिव कहा जाता है या व्युत्पन्न कहलाता है। तो किसका व्युत्पन्न है, तो आप देख रहे हैं कि एल्केन का व्युत्पन्न है, कौन सा व्युत्पन्न है, तो एमिनो व्युत्पन्न है। हम क्या कह सकते हैं कि एमीन क्या होते हैं, आप कहेंगे एमीन एल्केनों के NH2 यानी कि एमिनो व्युत्पन्न होते हैं। इस तरह से मतलब क्या हुआ कि अगर किसी हम एल्केन हाइड्रोकार्बन के एक एच को NH2 से रिप्लेस कर दें तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वही हमारा एमीन मिलेगा। अब एमीन आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, अगर इस एमीन के एमीन में आप देख रहे हैं तो सिंपली आप खाली इतनी बात गिनिए कि इस एमीन में खाली गिनो कि यहां पर N के साथ कितने एल्किल लगे हुए हैं, इसमें N के साथ कितने एल्किल लगे हैं, आप देखिए N के साथ खाली एक ही एल्किल इथाइल लगा हुआ है, साइड देखो बाएं तरफ दिखाई दे रहा है, तो N के साथ जितने एल्किल लगे होंगे उतना डिग्री का आपका एमाइन हो जाता है। आप देखें प्रेजेंट एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, N के साथ खाली एक एल्किल लगा हुआ है तो क्या कहलाएगी हमारा 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन कहलाएगी। तो ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बना ये हमारा क्या कहलाएगा, ये 1 डिग्री या कह सकते हैं प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, ये प्राथमिक एमीन कहलाएगी। और इसे साल्ट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ऐसे हम लोग आर, ये हमारा पूरा आर हो गया एल्किल को हम लोग आर से लिखते हैं, तो आर NH2 से लिखा जाता है, तो आपका 1 डिग्री एमीन हो गया। अब इसी में से मान लो एच को हम एक दूसरे एल्किल से रिप्लेस कर दें, इसका मतलब एक एच आप कम, एच कम करते जाओ और आर बढ़ाते जाओ,
आप H को घटाते जाओ और R को बढ़ाते जाओ तो आपको हायर डिग्री की अमीन मिल जाएंगी। तो वो कैसे मिलता है देखा जाएगा, खाली मैं टाइप बता के छोड़ रहा हूँ। तो बस आप H को हटाइए और एक और R यहाँ पे ले आइए, तब क्या बनेगा, ये बन जाएगा आर की संख्या हो जाएगी दो और एक संख्या यहाँ पे एक बच जाएंगी ना, तो यहाँ क्या हो गया आर टू एन एच। ये देखिए हमने क्या किया है, एच को हटाया है आर ले आया है, तो आर की संख्या बढ़ेगी एच की संख्या घटेगी, हमारा हो गया आर टू एन एच। अब देखिए हमें करना क्या होगा, सिंपली एन के साथ जुड़े एल्किल यानी आर को गिनना है। तो एन के साथ कितने एल्किल लग गए, दो लग गए, तो डिग्री कितनी हो गई, टू डिग्री हो गई, यानी आपका एमाइन कैसा हो गया, कि आपका एमाइन हो गया टू डिग्री एमाइन, या इसको हम लोग हिंदी में द्वितीय एमाइन या अंग्रेजी में सेकेंडरी एमाइन कहते हैं। तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो हमारा हो जाएगा द्वितीय एमाइन या द्वितीय एमीन हो गया, इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी एमाइन कहते हैं। इस तरह से ये हमारा सेकेंडरी एमाइन होता है। मतलब सिंपली आप याद रखिए एमाइन में एन के साथ कितने आर जुड़े हुए हैं, अगर एन के साथ सिर्फ एक एल्किल या एक आर जुड़ा है तो आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी एमाइन हो जाएगा, और अगर इसके साथ अगर दो जुड़े तो आपका सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो अभी एक एच यहां बचा है ना, तो इस एच को भी हम हटा सकते हैं। याद रखिए नाइट्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन तीन याद रखिए, उसको फोन आप याद रखो, फोन एफ ओ एन, एफ ओ एन फोन, एफ मतलब फ्लोरीन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, इनका मतलब नाइट्रोजन। इनके साथ इनमें से किसी के साथ भी अगर ये एच लगा होगा तो इस एच को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो जनरल रूल क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उदाहरण के लिए फोन याद कर लीजिए, फोन में एफ फॉर फ्लोरीन एटम, ओ फॉर ऑक्सीजन एटम, एन फॉर नाइट्रोजन एटम, इनमें से किसी के साथ भी अगर एच लगी होगी तो एच क्या होती है, हाईली एसिडिक नेचर की होती है और हाईली रिप्लेसेबल होती है। ये जो एच आपकी होती नहीं है, जो वाली एच ये कैसी होती है, बहुत आसानी से यानी हाईली रिप्लेसेबल होती है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेसेबल। हिंदी में कहते हैं अधिकतम विस्थापनशील होती है, इसको विस्थापित किया जा सकता है। तो वही मैं बार बार कर रहा हूं, अभी देखिए यहां पर फोन में से एन यहां पर है और एन के पास अभी एक एच है, तो एन के साथ लगे सारे एच के एच क्या होते हैं, रिप्लेसेबल, विस्थापित हो सकते हैं। यानी इस एच को हटा के मैं दूसरा कोई ग्रुप ला सकता हूं, और मैं ग्रुप कौन सा ला रहा हूं, तो मैं यहां पे एक और आर ले आ रहा हूं। तो इस आप इस एच को हटाइए और एक आर यहां पे लाइए, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां पे आर कितना हो जाएगा, आर हमारा तीन हो जाएगा ना। इस एच को हमको हटाना है और एक और आर हमको यहां पर पहुंचा देना है, तो क्या हो जाएगा, हमारे आर की संख्या हो जाएगी थ्री और आपका खाली यहां पर एन बचेगा, कोई भी एच यहां पर नहीं बचेगा। तो आर थ्री एन क्या होता है, आप देख रहे हैं सिंपली एन के साथ लगे आर को गिनिए, कितने आर हैं, तीन हैं, तो इनका डिग्री क्या हो जाएगा, थ्री डिग्री हो जाएगा, या इसको क्या कहेंगे हम, तृतीय एमाइन कहेंगे। आप इसे थ्री डिग्री एमाइन या हिंदी में तृतीय एमाइन कहिए या अंग्रेजी में इसको हम लोग टर्शियरी, ऐसे टर्शियरी एमाइन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के एमाइन आसानी से बता सकते हैं। किसी एल्केन के एच को रिप्लेस कर दीजिए एनएच टू के साथ, तो बनता है आपका एमाइन, ये आपका एमाइन हो गया। जैसे सामान्य सूत्र क्या होता है, एनएच टू हो गया मान लो आपका। अब आपने कहा कि इसकी डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन तरह का एमाइन होता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या आपको याद करना है, तो कॉन्सेप्ट याद करना है कि ये तीन एटम है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको हमने फोन से लिखा हुआ है, और रूल क्या है, इनके साथ जुड़े सारे के सारे जो एच होते हैं हाईली रिप्लेसेबल होते हैं। तो बस यही हमने किया है, यानी आप देख रहे हैं आपके एन के साथ अभी दो एच और लगा हुआ है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ जो दो एच लगे ये भी हटाए जा सकते हैं। तो अगर मैं इस एच को रिप्लेस करता हूं एक आर से, तब देखिए हमारे पास आर की संख्या दो हो गई और यहाँ पे आपका एक बचा। तो एन के साथ जब दो आर लगे होंगे तो द्वितीय के मीन कहेंगे। एक ही बात याद करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, एन के साथ लगे आर को गिनना है, आर को गिनना है, एल्किल को गिनना है। अगर एन के साथ खाली एक आर होगा तो प्राथमिक एमीन हो जाएगा, अगर एन के साथ अगर दो आर होगा तो द्वितीय एमीन या सेकेंडरी एमीन या टू डिग्री का एमीन हो जाएगा, और अगर उसी एन के साथ अगर तीन आर होगा तो आपका टर्शियरी या तृतीय एमीन यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के मीन हम बना सकते हैं, हम जान गए। और आप अगर चाहें तो हमने पहले वाले लेक्चर में प्राथमिक मीन बना के दिखाया था, अब देखो मैं द्वितीयक और तृतीयक मीन ही बना के आपको दिखा रहा हूं, फटाफट देखिए जल्दी से। अब देखिए हमारे पास एल्किल हैलाइड है, तो मान लीजिए हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास यहां पे आर एक्स, तो एल्किल हैलाइड है,
इसका रिएक्शन मैं किससे करा दूं, इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं प्राइमरी एमाइन से, प्राइमरी यानी माने हमारे पास यहां पे ऐसे RnH2 है ये, और मान लीजिए मुझे यहां पर क्या चाहिए, हमको यहां पर चाहिए सेकेंडरी एमीन। तो क्या करेंगे, याद रखना एल्केन लाइट का रिएक्शन कराना है किससे से, कि जितने डिग्री का एमीन चाहते हो उसे एक डिग्री कम से, तो हमको यहां पर 2 डिग्री चाहिए ना, तो आप 1 डिग्री सेशन करा दीजिए। रिजल्ट में क्या दिखाई पड़ेगा कि आपका जो N के साथ H लगा है रिप्लेसेबल होता है, इसे को हम रिप्लेस करेंगे इससे R से। यानी एक बात आपको समझना है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो बहुत अच्छे R डोनर होते हैं, एल्किल डोनर होते हैं। जब भी आपको R की जरूरत पड़ेगी, L की जरूरत पड़ेगी, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से H को रिप्लेस करेंगे और कौन रिप्लेस, R रिप्लेस करेगा, H आपका हट जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। और प्रेजेंट टाइम ये क्या है, ये हम लोग का 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमाइन है, प्राथमिक एमाइन है। इस केस को हटाइए इस R से, तो क्या पा जाएंगे आप यहाँ पर पा जाएंगे R की संख्या 2 हो जाएगी, एक पहले से था एक यहाँ से आ गया, तो R2 और यहाँ पे खाली H बचेगा NH। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया, ये हमको यहाँ पर 2 डिग्री का यानी कि सेकेंडरी एमाइन यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार से इस सेकेंडरी एमाइन से अगर आप चाहो तो टर्शियरी एमाइन भी मिल सकता है। क्या करना पड़ेगा, आपको एक R बढ़ाना पड़ेगा तो टर्शियरी मिल जाएगा, और एक R वो देगा कौन, यही देगा। तो इसी का फिर दोबारा रिएक्शन करा दीजिए, तो अगर आप फिर से अगर यहाँ पे आर से रिएक्शन करा देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एच भी हट जाएगा और यहाँ पे एक और आर आ जाएगा। तो इस तरह से हमको जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है इसमें आर की संख्या हो जाएगी 3, एच आपका खत्म हो जाएगा, खाली एन बचेगा, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3 डिग्री एमाइन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम थायलोएल्केन से तीनों तरह के एमाइन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों तरह के एमाइन हम आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हमने आपको इसके पहले दिखाया था कि हम OH से रिप्लेस करेंगे अगर हैलोजन को तो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, हमने एल्कोहल बना के दिखा दिया आपको। और फिर हमने आपको डिफरेंट टाइप के एमाइंस क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, उनको हमने दिखा दिया। तो इसके आगे की जो रिएक्शन और बच जाती है, बड़ा रिएक्टिव है वो ग्रुप होता है, इसमें ढेर सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर इस चैप्टर को अगर आप ढंग से तैयार करते हैं, सारे रिएक्शंस को, सारे रिएजेंट को अगर आप ढंग से समझ के याद करते हैं, तो आगे के जो चैप्टर हैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और अपने बोर्ड में जो इंटर कन्वर्जन आता है उस इंटर कन्वर्जन को करने में बहुत ज़्यादा यहाँ से हमको हेल्प मिलती है। आप उसको पढ़ते रहिए, अगले क्लास में बाकी और रिएक्शन आपको हम दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाने पे आप जानते हैं आपके पास वीडियो भेजना मुश्किल हो जाता है, ना तो अपलोड हो पाता है ना जा पाता है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो ही आपको भेज रहे हैं अभी। तो इस तरह से आज इतना ही, आगे का वीडियो अगले क्लास में भेजेंगे। थैंक यू।